हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे विदेशों में भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जनवरी 2020 तक अपडेटेड है। इसके बाद अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितना भी डाटा लिया गया है सब नेट से लिया गया है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने इम्पोर्टेंट देशों में जो भारतीय राजदूत हैं उनको डिस्कस किया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में दोस्तों भारत के राजदूत कौन है? विनय कुमार। तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, विनय कुमार अफ़गानिस्तान में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अल्जीरिया। फ्रेंड्स, अल्जीरिया में कौन है? श्री सतबीर सिंह। दोस्तों, अल्जीरिया में श्री सतबीर सिंह भारत के राजदूत हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखें। अगला है हमारा दोस्तों अंगोला। तो अंगोला में कौन है? श्री कुमार मेनन। तो श्री कुमार मेनन अंगोला में है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। दोस्तों, अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत कौन है? दिनेश भाटिया। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, अर्जेंटीना में दिनेश भाटिया भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन है? अनमोला गीतेश शर्मा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत हैं, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। अगला है दोस्तों आज़रबाईजान। तो आज़रबाईजान में कौन है? संजय राणा। फ्रेंड्स, संजय राणा को आप ध्यान रखें, आज़रबाईजान में ये भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट है बहरीन। दोस्तों, बहरीन में कौन है? आलोक कुमार सिन्हा। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, आलोक कुमार सिन्हा बहरीन में भारतीय राजदूत हैं। अगला है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश दोस्तों, आप जितने भी पड़ोसी देश हैं इनके भारतीय राजदूत को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में कौन है? रीवा दास गांगुली। तो ये भारतीय राजदूत हैं बांग्लादेश में, रीवा दास गांगुली, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। अगला है दोस्तों बुल्गारिया। तो बुल्गारिया में कौन है भारतीय राजदूत? पूजा कपूर। तो पूजा कपूर कहाँ पर हैं? बुल्गारिया में। नेक्स्ट है कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया में कौन है? मनिका जैन। फ्रेंड्स, मनिका जैन कहाँ पे हैं? कंबोडिया में भारतीय राजदूत, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगला है कनाडा। तो कनाडा में दोस्तों कौन है? विकास स्वरूप, और ये कौन है? उच्चायुक्त। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको अपने एग्ज़ाम में या तो उच्चायुक्त मिलेगा या भारतीय राजदूत मिलेगा, तो आप इसका ध्यान रखें। दोस्तों, अगला है चिली। तो चिली में भारतीय राजदूत कौन है? अनीता नायर। तो अनीता नायर कहाँ पे हैं? चिली में, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूबा। तो क्यूबा में कौन है भारतीय राजदूत? मधु सेट्टी। तो मधु सेट्टी कहाँ पे हैं? क्यूबा में। दोस्तों, अगला है साइप्रस। तो साइप्रस में उच्चायुक्त कौन है? एम हजारिका भगत। तो ये कहाँ पे हैं? साइप्रस में, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगला देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क में भारतीय राजदूत कौन है? अजीत गुप्त। तो ये कहाँ पर हैं? डेनमार्क में, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगला देश हमारा घाना। तो घाना में कौन है भारतीय राजदूत? सी सुगंध राजा राम। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, ये कहाँ पर हैं? घाना में। दोस्तों, अगला है हमारा आइसलैंड। तो आइसलैंड में कौन है? आर्मस्ट्रांग चंगस्टन। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, आइसलैंड में भारतीय राजदूत ये हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, प्रदीप कुमार रावत इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत हैं। अगला है दोस्तों ईरान।
तो ईरान में दोस्तों भारतीय राजदूत कौन है? सौरभ कुमार। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है इराक, तो इराक में भारतीय राजदूत कौन है? बीरेंद्र सिंह यादव। तो ये इराक में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है इसराइल, तो इसराइल में कौन है? संजीव कुमार सिंगला। तो इसराइल में संजीव कुमार सिंगला भारतीय राजदूत हैं, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला देश है इटली, तो इटली में भारतीय राजदूत कौन है? प्रकाश पुरब। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, प्रकाश पुरब इटली में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है जापान, तो जापान में कौन है? संजय कुमार वर्मा। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, संजय कुमार वर्मा जापान में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है जॉर्डन, तो जॉर्डन में कौन है? अनवर हलीम। तो अनवर हलीम कहाँ पर भारतीय राजदूत हैं? जॉर्डन में। दोस्तों अगला देश है फिनलैंड, तो फिनलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? बानी राव। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, बानी राव फिनलैंड में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है फ्रांस, तो फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वत्र। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला देश है जर्मनी, जर्मनी में भारतीय राजदूत कौन है? मुक्ता दत्ता तोमर। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, मुक्ता दत्ता तोमर जर्मनी में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान में कौन है भारतीय राजदूत? प्रभात कुमार। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, प्रभात कुमार कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है मलेशिया, तो मलेशिया में भारतीय राजदूत कौन है? मृदुल कुमार। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो की पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगला देश है हमारा मालदीव, तो मालदीव में भारतीय राजदूत कौन है? संजय सुधीर। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, संजय सुधीर मालदीव में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है मॉरिशस, मॉरिशस में भारतीय राजदूत कौन है? तन्मय लाल। तो तन्मय लाल मॉरिशस में भारतीय राजदूत हैं, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला देश है ग्रीस, तो ग्रीस में दोस्तों भारतीय राजदूत कौन है? अमृत लोगन। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, अमृत लोगन ग्रीस में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है हमारा मंगोलिया, तो मंगोलिया में भारतीय राजदूत कौन है? मोहिंदर प्रताप सिंह। तो मोहिंदर प्रताप सिंह को आप ध्यान रखिए, ये मंगोलिया में भारतीय राजदूत हैं। अगला है दोस्तों मोरक्को, तो मोरक्को में भारतीय राजदूत कौन है? शंभू एस कुमारन। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, शंभू एस कुमारन कहाँ पर भारतीय राजदूत हैं? मोरक्को में। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा म्यांमार, तो म्यांमार में भारतीय राजदूत कौन है? सौरभ कुमार। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, सौरभ कुमार म्यांमार में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में उच्चायुक्त हैं कौन? अजय बिसारिया। तो ये पड़ोसी देश है, तो दोस्तों आप इसे याद जरूर रखें, म्यांमार को, भारत पाकिस्तान को, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स अगला देश है आयरलैंड, तो आयरलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? संदीप कुमार। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें, आयरलैंड में संदीप कुमार भारतीय राजदूत हैं। अगला देश है नॉर्वे, तो नॉर्वे में कौन है? बी बाला भास्कर। तो ये भारतीय राजदूत कहाँ पर हैं? नॉर्वे में, बी बाला भास्कर। दोस्तों अगला देश है केन्या, तो केन्या में कौन है? उच्चायुक्त राहुल छाबरा। तो आप इसे ध्यान रखें, ये राहुल छाबरा उच्चायुक्त हैं कहाँ पर? केन्या में। दोस्तों अगला देश है नेपाल, ये भी पड़ोसी देश है, तो आप इसे भी ध्यान रखें, यहाँ पर कौन है? मनजीत सिंह पुरी। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें, ये भारतीय राजदूत मनजीत सिंह पुरी कहाँ पे हैं? नेपाल में। दोस्तों अगला देश है युगांडा, तो यहाँ पर उच्चायुक्त कौन है? रविशंकर।
तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। रविशंकर कहाँ पर चुके हैं? युगांडा में। अगला है दोस्तों यूक्रेन, तो यूक्रेन में कौन है? प्रता सतपथे, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, कहाँ पर हैं ये? यूक्रेन में। दोस्तों अगला देश है संयुक्त अरब अमीरात, तो यहाँ पर कौन है? पवन कुमार, तो ये आप इन्हें ध्यान रखें, पवन कुमार कहाँ पर हैं? संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों अगला देश है यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर कौन है? रुचि घनश्याम, तो आप इनके ध्यान नाम को भी ध्यान रखें, रुचि घनश्याम यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों अगले कौन है? कतर में, तो कतर में कौन है? पी कामरान, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, पी कामरान कहाँ पर हैं? कतर में। अगला है दोस्तों रूस, तो रूस में कौन है? डी वाला वेंकटेश्वर, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, डी वाला वेंकटेश्वर कहाँ पर हैं? रूस में। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में भारतीय राजदूत कौन है? औसाफ सईद, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, औसाफ सईद कहाँ पर हैं? सऊदी अरब में। दोस्तों अगला है सिंगापुर, तो सिंगापुर में उच्चायुक्त कौन है? जावेद अशरफ, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, सिंगापुर में कौन है? जावेद अशरफ, और ये कौन है? उच्चायुक्त। दोस्तों अगला देश है हमारा दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? जयदीप सरकार, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, जयदीप सरकार कहाँ पर हैं? दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों अगला देश है स्पेन, तो स्पेन में भारतीय राजदूत कौन है? संजय वर्मा, तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, स्पेन में भारतीय राजदूत कौन है? संजय वर्मा। दोस्तों अगला देश है श्रीलंका, ये भी पड़ोसी देश है, तो आप इसे भी ध्यान रखें, कौन है? तरनजीत सिंह संधु, तो तरनजीत संधु कहाँ पर भारतीय राजदूत हैं? श्रीलंका में। दोस्तों अगला देश है हमारा सूडान, तो सूडान में भारतीय राजदूत कौन है? पी जयसवाल, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, पी जयसवाल सूडान में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश हमारा स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? सिबी गिरोगे, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, सिबी गिरोगे कहाँ पर हैं? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अगला देश है उज्बेकिस्तान, तो इसमें भारतीय राजदूत कौन है? संतोष झा, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, संतोष झा उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पर कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगले, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, हर्षवर्धन श्रृंगले भारतीय राजदूत हैं कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनका भी दोस्तों हाल ही में अपॉइंट हुआ है, तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला देश है सिसेल्स, तो यहाँ पर कौन है? दलबीर सिंह सुहाग, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, कहाँ पर हैं ये? सिसेल्स में भारतीय राजदूत। दोस्तों अगला देश है बिंजुला, तो बिंजुला में भारतीय राजदूत कौन है? राजीव कुमार, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, राजीव कुमार बिंजुला में भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है वियतनाम, तो वियतनाम में भारतीय राजदूत कौन है? प्रलय कुमार वर्मा, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, प्रलय कुमार वर्मा कहाँ पर भारतीय राजदूत हैं? वियतनाम में। दोस्तों नेक्स्ट देश है हमारा यमन, तो यमन में कौन है भारतीय राजदूत? अमृत लुगन, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, अमृत लुगन कहाँ पर हैं? यमन में। दोस्तों अगला देश है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे में कौन है? रुंगसुंग मतकई, तो ये भारतीय राजदूत हैं कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। फ्रेंड्स अगला देश है हमारा बेल्जियम, तो बेल्जियम में कौन है भारतीय राजदूत? गायत्री ईश्वर कुमार, तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, गायत्री ईश्वर कुमार भारतीय राजदूत हैं कहाँ पर? बेल्जियम में।
दोस्तों अगला देश है भूटान। तो यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? श्री रुचिरा कंबोज। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, भूटान में श्री रुचिरा कंबोज भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है चीन। तो आप इसे भी ध्यान रखें क्योंकि पड़ोसी देश है। यहाँ पर कौन है? विक्रम मिश्री। तो विक्रम मिश्री चीन में भारतीय राजदूत हैं। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स अगला देश है हमारा कोलंबिया। तो कोलंबिया में भारतीय राजदूत कौन है? संजीव रंजन। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, संजीव रंजन कहाँ पर हैं भारतीय राजदूत? कोलंबिया में। दोस्तों अगला है हमारा माली। तो माली में कौन है? अंजनी कुमार। तो माली में अंजनी कुमार भारतीय राजदूत हैं। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला देश है हमारा नीदरलैंड। तो यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? बेणु राजमोणी। तो बेणु राजमोणी नीदरलैंड में भारतीय राजदूत हैं। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला देश है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर भारत के उच्चायुक्त कौन है? मुक्तेश के परदेशी। मुक्तेश के परदेशी उच्चायुक्त हैं कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला देश है हमारा नाइजर। यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? राजेश अग्रवाल। तो आप इनका नाम को भी ध्यान रखें, नाइजर में राजेश अग्रवाल भारतीय राजदूत हैं। दोस्तों अगला देश है हमारा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में उच्चायुक्त कौन है? अभय ठाकुर। तो आप इसे भी ध्यान रखें, अभय ठाकुर उच्चायुक्त हैं कहाँ पर? नाइजीरिया में। दोस्तों अगला देश है हमारा पोलैंड। तो यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? तोयसंग नामगिमल। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, ये भारत के राजदूत है कहाँ पर? पोलैंड में। दोस्तों अगला देश है हमारा पुर्तगाल। तो यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? के नंदिनी सिंगला। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, के नंदिनी सिंगला भारतीय राजदूत हैं कहाँ पर? पुर्तगाल में। दोस्तों नेक्स्ट देश है हमारा ओमान। यहाँ पर भारतीय राजदूत कौन है? मनु महेश्वर। तो मनु महेश्वर ओमान में भारतीय राजदूत हैं। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। अगला देश है हमारा कोलंबिया। तो कोलंबिया में भारतीय राजदूत कौन है? संजीव रंजन। तो संजीव रंजन कोलंबिया में भारतीय राजदूत हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट देशों में भारतीय राजदूत। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।